अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और ये देखो सोफी हलवा बना रही है, गरीब नवाज की छठी, तो सब कोई हमने वहीं पे सब किया हुआ था, लेकिन बोल जब मैं से हम करती तब चालू मम्मा। तो सोफी हलवा बना रही है और हमें आज बाहर से थोड़ा बहुत आने वाला है, एक हमारे रिलेटिव में उसके माँ से टिफिन, तो हम कुछ खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि माँ बेटी है सिर्फ। आरिफ ने बोला है कि मैं भी होटल पे खा लूँगा, मेहमान आने वाले हैं, तो उसके साथ में मंगवा के कुछ। और देखो ये हलवा बना रही है, वो चीनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और देखो मैं बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तो नहीं बनानी है, बस कर रही हूँ, मेरे टाइम पे कुछ होता नहीं है। देखो ये हलवा बना रही है, ना कटोरी लिए ना चम्मच लिए, और सिर्फ दूध धर लिया और हलवा डाल दिया। और अब देखो ऐसे खड़ी है और बोल रही है चीनी तो है नहीं, अब चीनी लेने जाएगी और मैं यहाँ पे देखूंगी। जब वहाँ पे अंदर मम्मा रखती है सब डब्बे में भर के, तो वहां से मैं लाऊंगी ये डब्बा भर के, तो इन लोगों का भी काम हो जाएगा। सुबह सुबह चाय बनाने में नहीं निकालना पड़ेगा, मैं जा रही हूँ निकालने, तो कोई बात नहीं। और आज गरीब नवाज की छठी का दिन है, तो मैं बना रही हूँ, फिर मैं उसमें फातिया दूंगी। और फिर मम्मा ने कहा कि तू फातिया दे दे। और क्या कर इसके हलवा का नाम क्या है मम्मा? ये हलवा दूध का हलवा बनता है, ये खीर बनानी थी, फिर सोचा कि भाई ने तो वहाँ पे खीर की है क्यों माँ, तो इसलिए मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, वहाँ पे भाई ने सब किया है, तो हम यहाँ पे हलवा बना देते हैं, तो सबके घर में आसानी भी रहेगी। तो सबके घर में मैं अभी फातिया दे भी दूंगी इस तारीख के पहले पहले। हाँ तो चलो मैं ये करती हूँ। देखो मैं चाय बना के रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे रोजा खोल के ऐसे ही मुझे बाजार में जाना है एक दो चीजें लेने, तो मैं और सोफी जाएंगे चीजें लेने जाएंगे। सोफी को तो आना नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि चल तेरे पापा नहीं आ रहे तो तू मेरे साथ में चल, तो सोफी को मैं लेके जाऊंगी। और मेडिकल में से एक दो चीजें लेनी है, कोलगेट वैसे शैम्पू ये सब का सामान छोटा बहुत। हाँ तो मैंने गैस बंद कर दिया था, तो बाहर जाने पर जाए बड़ी बात, ये कटोरी तुझे वापस धोनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने धोई हुई है। सही है ना? तो हम शाम को इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। और दरवाजा जो दरवाजे में आने वाले थे ना, मंगलवार को आने थे लेकिन नहीं आए, मंगल को। हाँ ट्यूसडे। और आज बुध हो गया तो नहीं आया, तो وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تنالى نالا نرضي الناس بنا
أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى और ये हम निकल गए थे बाज़ार। बाज़ार में से मम्मा को कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था तो फिर हम निकल गए थे इफ्तारी के बाद। इफ्तारी करके कुछ कितने बजे थे, 8:30 बजे थे। और देखो ये हमारी अलबेग, वहाँ से हम निकले थे। और ये देख सकते हो आप कितना रश है। और माशाल्लाह रमज़ान का माहौल है तो सब जगह पर अच्छी अच्छी आइटम है, खाने पीने की बहुत सब अच्छा कुछ मिलता है। और ये इतना बहुत दूर भी नहीं है हमारे घर के पास से, सब नज़दीक नज़दीक है। और माशाल्लाह सब जगह पे पब्लिक, और अच्छा भी लगता है ये सब माहौल देख के। ये बस ये सब दिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो अच्छे लगते हैं बट रमज़ान में कुछ और ही रौनक होती है। तो देखो हम भी ऑटो में बैठे थे, ऑटो में जाना था मेडिकल पे, मेडिकल से कुछ सामान लेना था मम्मा को, इसलिए कल भी जाना था पर कल नहीं जा सके तो इसलिए आज हम निकल गए। फिर भाई भी नहीं है, पापा भी होटल पे रहते हैं, उसकी वजह से मैं और मम्मा अकेले होते हैं तो हम फटाफट ये बाहर का कुछ काम होता है तो हम जल्दी करके आ जाते हैं कि सब भाई पापा वो सब फैमिली होते हैं तो हम उसमें से मम्मा को फ्री टाइम ही नहीं मिलता तो हम निकलते ही नहीं है। और ये है हमारा दरबा गेट, दरबा गेट। चलो हम जा रहे हैं कहाँ पे, मेडिकल। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है यूनो मेडिकल, यूनो एजेंसी मेडिकल। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी मिलती है और हम यहाँ से ही लेते हैं। और मम्मा भी देखो गई है, घर का कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा सामान था उसको लेना था तो ये सब लेंगे। और देखो फटफट से बोलने भी लगी। और ये सब लेके फिर हम जाएंगे, कुछ और काम है। और ये सब मम्मा का ही काम है तो देखते हैं मम्मा कहाँ काम पे हमें घुमाती है। और फिर हम आ गए थे नियत जनरल स्टोर। यहाँ पे सब मिलता है अनाज वगैरह तो मम्मा को कुछ इफ्तारी के टाइम पे जो जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं थी तो हम यहाँ पे लेने आए थे थोड़ा बहुत। और देखो अब मम्मा बातें करने लग गई है इसलिए कि फैमिली जैसे है, पहले से हम यहाँ से ही लेते हैं और अच्छा रिश्ता भी है तो इसलिए। तो देखो भाई भी कर रहे हैं वो भी देख सकते आप। और फिर हम ले कर निकल तो बस गाइज आप सबने देखा तो होगा कि बस मैं इतना ही व्लॉग आज बना सकी, इसलिए आप सभी को पता है कि हमारी रमजान चल रही है, रमजान महीने में टाइम नहीं मिलता हमें। और फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बॉडी भी लूज थोड़ी हो जाती है रमजान महीने में रोजा रह के, और बाहर भी हम इतने नहीं जाते तो इसलिए आप सबको कुछ दिखा नहीं सकते। डेली डेली का जो रूटीन होता है वही आप सबको दिखा सकते हैं, फिर भी आज इतना दिखा है, कल इंशाल्लाह इससे ज्यादा। तो बस अब देखो इंजॉय करो और मेरी मम्मा का अल्लाह हाफिज़ सुन लो आप। चलो अल्लाह हाफिज़ और कल मिलते हैं इंशाल्लाह।
और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।